लेना या पांच उंगलियां बराबर नहीं होती, ऐसी कहावतें आपने आपकी दादी नानी मामा चाचा किसी से भी सुना होगा। तो पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, इसका अर्थ हो गया कि सभी लोग ना तो अच्छे हो सकते हैं, नहीं सभी लोग बुरे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि सभी एक जैसे होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं। इस तरह से कहावतें प्रचलित हैं। लोकोक्ति का अर्थ साधारण अर्थ होता है कहावत। कहावत मतलब जो आपने आसपास आम बोलचाल की भाषा में बोली जाती हैं, और ये कहावतें अनुभव पर आधारित होती हैं। मतलब जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं ना, वो दिन हमेशा देखते रहते हैं और फिर उस अनुभव के आधार पर ये कहावतें बोलते हैं, और ये कहावतें आगे बढ़ती जाती हैं, मतलब प्रचलन में रहती हैं। नीचे कुछ लोकोक्तियाँ दी जा रही हैं या कहावतें दी जा रही हैं और इनके अर्थ और उनका प्रयोग भी दिया जा रहा है, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब दो निर्दोष पर दोष लगाना, निर्दोष पर दोष लगाना। नीलिमा ने निधि का पेन तोड़ दिया और निधि को ही डांट रही है, इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब कोई बच्चे, आपने देखा होगा आपके छोटे भाई बहन होते हैं, वो आपकी बुक फाड़ देते हैं, अब उनको पता है कि उनको डांट पड़ेगी, तो वो क्या करते हैं, जोर जोर से चोर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और आपकी मम्मी या पापा आते हैं तो आपको डांटते हैं कि तुमने जरूर कुछ किया हुआ इसका, है ना। तो इसको कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब निर्दोष पर ही दोष लगाना। नीलिमा ने क्या किया, निधि का पेन तोड़ दिया और निधि को ही डांट ली, तूने ये पेन यहाँ क्यों रखा था, क्यों ऐसा किया वैसा किया। तो इसको कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरों पर दोष मढ़ देना, अपनी बुराई को छुपाने के लिए दूसरों पर दोष लगा देना। जैसे दर्जी ने फ्रॉक खराब सिल दी और कपड़े की ही कमी बताने लगा, इसे कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। मतलब आपको कोई काम आता नहीं है, आपने कोई काम बिगाड़ दिया, आपसे काम बिगड़ गया, पर आप क्या कहोगे, अरे ये तो कपड़े ही खराब था, अरे आपकी राइटिंग अच्छी नहीं आई, आपको अच्छी राइटिंग नहीं है आपकी, पर आप क्या कहोगे कि नहीं कॉपी खराब है, इस कॉपी में मेरी राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है। तो इसको कहते हैं नाच मिलाने आगर टेढ़ा। जिसकी लाठी उसकी भेज, मतलब बलवान की ही जीत होती है, जिसके पास शक्ति है उसी की जीत है। इस युग में निर्धन व्यक्ति को कोई नहीं पूछता, आजकल वही है जिसकी लाठी उसकी भेज। दूध का दूध पानी का पानी, सब कुछ बिल्कुल क्लियर करना, न्याय करना। वकील ने अदालत में सबूत दिखाकर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। जो बरसते हैं वे बरसते नहीं, मतलब जो बहुत जोर से चिल्लाता है ना वो कुछ भी नहीं कर पाता, जो डींगे मारते हैं वे कुछ नहीं काम नहीं करते। दीपक अपनी बहादुरी की, बहुत बहादुरी की बातें करता था, लेकिन चोर आने पर वो एक कोने में छिप गया। इसलिए कहते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। जैसे कहते हैं ना, आपने घरों में देखा होगा कोई आदमी ऐसा होता है जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे वैसा कर देंगे, और टाइम आने पर वो सबसे पीछे बैठ जाता है। तो उसको कहते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। जैसी करनी वैसी घड़नी, आप जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर आपने पूरे साल भर पढ़ाई नहीं की तो आप सोचो कि मैं परीक्षा में फर्स्ट आ जाऊँगा, नहीं आ सकते। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अगर आप थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ते रहे हो तो वो आपको अच्छे नंबर दिला सकता है। जैसे रमेश परीक्षा के समय टीवी देखता रहा और परीक्षा में फेल हो गया, इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। चिराग तले अंधेरा, किसी चीज के निकट रहने के बाद भी वंचित रहना। जैसे अभिषेक की मम्मी ने हिंदी में PhD की, लेकिन अभिषेक को हिंदी समझ में नहीं आती है, तो इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। आम के आम गुठलियों के नाम, दोहरा लाभ, मतलब माता जी ने पुरानी घड़ी देकर नई घड़ी ली, इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम, मतलब डबल लाभ होना। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, मेहनत बहुत और लाभ कम होना। उमेश अपने प्रोजेक्ट की बहुत प्रशंसा करता रहा लेकिन उसे 10 में से 4 नंबर ही मिले, इसको कहते हैं खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, दुष्ट व्यक्ति प्यार से नहीं मानते हैं। मालिक नौकर से पूछता रहा कि हार कहाँ रखा है लेकिन उसने नहीं खोला, लेकिन पुलिस के डंडे पड़ते ही उसने सब कुछ बता दिया। इसलिए कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मतलब आपने घरों में देखा होगा, आप बहुत मस्ती कर रहे हो तो मम्मी भी कहती है कि अभी तुमको चांटा पड़ेगा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अगर आपको मना किया ऐसा नहीं करना फिर भी आप नहीं सुनते हो तो फिर कैसे सुनते हो आप चाटा खाने के बाद।
विशेष अर्थ देते हैं। मुहावरे साधारण अर्थ की जगह विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। लोकोक्ति लोगों में प्रचलित होती है।